हेलो डियर आई सर एस्पिरेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन चैनल एग्री अपडेट्स एंड दिस इज प्रभात। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आईसीआर 22 की काउंसलिंग चल रही है फिलहाल, आप सभी का रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट एंड हो चुका है और आज आप सभी का चॉइस फिलिंग का लास्ट डेट है। तो जो भी बच्चे अभी तक जो भी एस्पिरेंट काउंसलिंग पार्टिसिपेट करें, अगर वो अभी तक चॉइस फिलिंग की प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, आज 11:59 PM रात के 11:30 बजे तक आप सभी लोग अपनी चॉइस फिलिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हो। बाकी अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे पहले से बहुत सारे मेंबर्स हैं जो कि आपके क्वेश्चन क्वेरीज को सॉल्व करते रहेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में बात करते हैं काउंसलिंग के बाद, चॉइस फिलिंग के बाद की जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है, अलॉटमेंट का क्या रूल है, ये सब कुछ आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की आज आप सभी लोग काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग करके सेव कर दीजिएगा, बाकी ऑटोमेटिकली लास्ट डेट टाइम लास्ट टाइम एंड होते ही वो ऑटोमेटिकली लॉग्ड हो जाएगा। चॉइस प्रिंट आउट आप लेके अपने पास रखना, क्योंकि वो मे बी इन फ्यूचर काम दे सकते हैं आप सभी को। इसके बाद डायरेक्टली आप सभी को 19 दिसंबर तक का वेट करना है। 19 दिसंबर को आप सभी का फर्स्ट राउंड का पहला अलॉटमेंट रिलीज किया जाएगा। तो जो भी बच्चे जिनकी रैंक अच्छी है, जिनकी रैंक अंडर 4 के है, ओवरऑल मैं बता रहा हूं, उनको अलॉटमेंट फर्स्ट राउंड तक कंप्लीटली हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप सभी लोग चॉइस फिलिंग नहीं किए हो तो आज जाके कर लीजिए, इसके बाद डायरेक्टली उसको सेव करके 19 दिसंबर तक का वेट कीजिए। 19 दिसंबर को आपका जो पहला अलॉटमेंट आपका अलॉटमेंट होगा कॉलेज का, उसके बाद से आप सभी का डॉक्यूमेंट अपलोड का प्रोसेस होगा। डॉक्यूमेंट अलॉटमेंट से पहले कहीं भी कोई भी डॉक्यूमेंट आपकी नीड नहीं होती। काफी सारे बच्चे गैप सर्टिफिकेट को लेकर पूछ रहे, तो जो भी बच्चे ड्रॉपर हो, ठीक है, यानी क्लास 10+2 के बाद अगर उन्हें किसी भी रीजन से गैप लिया है या फिर किसी और रीजन से किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, तो वो बच्चों को ड्रॉपर्स की गैप सर्टिफिकेट या फिर एफिडेविट की नीड पड़ेगी, जिसको किसी लॉयर अपने एरिया किसी भी लॉयर से मिलकर बना सकते हैं। और इसकी नीड आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पड़ेगी, यानी कि सबसे पहले आईसीआर एक बार आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा। 19 दिसंबर को कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद 20 दिसंबर से आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा आईसीआर की वेबसाइट पे ऑनलाइन। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट अगर सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया, देन आफ्टर आपको उसका प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिलेगा। जिस भी कॉलेज में आपको अलॉटमेंट हुई है वहां पे आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिलेगा। उस एडमिशन लेटर को लेकर आप कॉलेज में फिजिकली वेरिफिकेशन के लिए या फिर कॉलेज की वेबसाइट से ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन वेरिफिकेशन या फिर ऑफलाइन वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आप सभी को यूनिवर्सिटी एक फाइनल एडमिशन लेटर प्रोवाइड कराती है, जहां पे आप सभी को फी वगैरह पे करके फाइनल एडमिशन लेटर पे करने के बाद आप सभी लोगों का एडमिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है, बाकी बहुत सारे बच्चे कल से डाउट में थे जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाई है, मे बी आज डेट एक्सटेंड हो सकता है, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। बाकी ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट एंड हो चुकी है, फिलहाल आज लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग का। अगर आपने नहीं किया तो जाके उसको कर लो, इसके बाद आपको दोबारा कभी चॉइस फिलिंग करने का मौका नहीं मिलेगा मॉपअप से पहले। इसी चॉइस फिलिंग के बेसिस पर आगे की 4 राउंड की काउंसलिंग आपकी कंटिन्यूअसली चलने वाली है। तो जो भी प्रोसेस आपको भी इनकम्प्लीट हो उसको आज 11:59 PM से पहले कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी की वीडियो आप सभी को आगे मिलती रहेंगी, जो भी अपडेट आपका आएगा वो आप सभी को आगे मिलता रहेगा। एंड जो भी बच्चे आईसीआर 23 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए INTA ने आईसीआर 23 की ऑफिशियल एग्जाम डेट 25-27 अप्रैल को अनाउंस कर दिया है। तो अगर आप लोग 23 के एस्पिरेंट्स हो तो आप जाके अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कीजिए, बाकी काउंसलिंग को ऐसे आप लेफ्ट कर दो, चॉइस फिलिंग करके सेव कर दो। 19 को आप उसको चेक कर लेना, उसके बाद सेकंड राउंड के अलॉटमेंट को चेक कर लेना। जिस भी राउंड में आपको अलॉटमेंट होगा उस राउंड में आप चेक कर सकते हो। जिन भी बच्चों को फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट नहीं होगी उनको कुछ नहीं करना, उनको सेकंड राउंड का वेट करना है, उनको अपग्रेडेशन भी नहीं करना है। अपग्रेडेशन तभी होता है जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है। कॉलेज अलॉटमेंट से पहले हमें अपग्रेडेशन या कुछ भी ऐसी प्रोसेस नहीं करनी जो कि काउंसलिंग होती है, ठीक है। नॉर्मली आपको वेट करना है, तो ये कीजिए। बाकी की चीजें हम आपको आगे वीडियो में बताते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम को आप सभी लोग अपनी टेलीग्राम पे ज्वाइन करके शेयर कर सकते हो। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।